वेलकम टू मैक्सवेल स्टडी हब स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सीख चुके हैं, उसमें और उसमें हमने देखा था यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आज सीखने की बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत अलग है और यस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको सीखेंगे, इसको समझेंगे और यस दो वे से सीखने वाले। पहला सीखेंगे एक प्लांट में कैसा होता है एंड यस आफ्टर दैट वेरी इंटरेस्टिंगली अबाउट अस, हम में कैसा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ए सेक्सुअल में मैंने क्या बोला था, विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इट इज़ द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सी आई हैव सेड फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा ये मैंने आपको बोला, बट उसके पहले उसका फॉर्मेशन भी तो होना चाहिए। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का पहले क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, मतलब मेल एंड फीमेल। नाउ कमिंग टू द उसके डाइवर्सिटी के ऊपर, डेफिनेटली अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी बिकॉज रिकॉम्बिनेशन है, बिकॉज फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक डाइवर्सिटी आएगी। और वो डाइवर्सिटी क्यों आएगी, उसके पीछे आपका सेल डिवीजन इन्वॉल्व है विच वी आर गोइंग टू लर्न इन कमिंग स्लाइड। नाउ इट इज़ एन इलाबोरेट या डेफिनेटली आई हैव गिवन द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, अमीबा का फ्रेगमेंटेशन, सॉरी स्पायरोगैरा का फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, बहुत ही फास्ट प्रोसेस था, फ्रेगमेंटेशन हुआ और नए स्पायरोगैरा बने। या फॉर एग्जाम्पल साइकॉन हमने देखा था, एंड अमीबा भी एक हिसाब से ले सकते हो, बाइनरी फ्यूजन हुआ था जो। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इफ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ आरसेप ओनली, देन हमारे में एक नए एम्ब्रियो को या आई कैन से एक नई लाइफ को आने में 9 मंथ का एक पूरा पीरियड लगता है। तो या द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसका फ्यूजन होगा और उसके बाद उस फ्यूजन से बने हुए जायगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर कहीं जाके बर्थ होगी, तब जाकर एक नई लाइफ मिलेगी। और ये पूरा प्रोसेस में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हैं। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ इट इज़ स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू शुड ऑल्सो कीप थिंग्स इन योर माइंड दैट द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू रीच मैच्योरिटी फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अ जुविनाइल फेज। जुविनाइल फेज मतलब प्यूबर्टी के पहले, व्हेन मेल और फीमेल, जब रिप्रोडक्शन के पहले की जो स्टेज होगी बिफोर प्यूबर्टी, उसको बोलते हैं जुविनाइल फेज। एंड इन केस ऑफ फ्लावर्स, मतलब इन केस ऑफ प्लांट्स, मैंने आज क्या सिखाने वाले हूँ आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी तो प्यूबर्टी जो एक स्टेज आती होगी तभी तो एंड अ प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस। तो उस स्टेज को, उसके पहले वाली स्टेज को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। मतलब इसके इस वेजिटेटिव फेज में द प्लांट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द रिप्रोड्यूस। नाउ दिस लाइन, लास्ट लाइन, इट इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज, ये आपको हिंट दे रहा है नेक्स्ट स्लाइड का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के पहले, या मैं कहूँ ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सीखने से पहले, दो चीज़ों को हम थोड़ा समझ लेते हैं ताकि चीज़ों को आसान हो जाए सीखना। फर्स्ट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स, फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स आर दोज टू जर्म सेल्स। टू मेन प्रोसेस अकर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्यों दिया है और इसका मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन, दो स्टेज है, गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्मेशन मतलब गैमेट्स का साथ में आना, उसको फॉर्म करवाना, मेल एंड फीमेल। एंड फर्टिलाइजेशन क्या है, उसका फ्यूजन। अब गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है थोड़ा देखते हैं।
We have already completed about the two types of cell division, that is meiosis and mitosis. अब meiosis क्या था? Meiosis था reductional division. मतलब अगर चार से start किया तो cell division जो daughter cells मिलेंगे उनमें क्या होंगे? दो. मतलब reductional, half हो जाते हैं उसके ना. तो in this case gametes are formed. Gametes कैसे form होते हैं? Meiosis से. अब इसको explain, इसको समझेंगे कैसे. For example, I am a diploid cell. I have 46 chromosome. Am I right? Yes. तो 46 क्रोमोसोम है मतलब 23 pairs हैं. अब ये 46 क्रोमोसोम कहाँ से आए होंगे? Definitely from my mother and father. तो उन्होंने मुझे क्या दिए? 23 और 23 का ही combination दिया होगा ना. They have not given me 46 46 46 46 आता तो सोचो टोटल कितने का होता और मैं कौन से टाइप का सेल होती. बट आई एम अ डिप्लॉयड सेल. डिप्लॉयड सेल में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे. तो मेरे पास है 23 पेयर के क्रोमोसोम और टोटल मेरे पास क्रोमोसोम कितने हैं? 46. उसमें से 23 मुझे पिताजी ने दिए, 23 मुझे मेरी मम्मी ने दिए. पर इन ऑर्डर टू गेट 23 फ्रॉम माई फादर एंड 23 फ्रॉम माई मदर, उनको भी तो सेल डिविजन करके मुझे 23 देना होगा बिकॉज दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड सेल. वो भी हैं तो डिप्लॉयड ही ना. तो वो क्या करेंगे? गैमेट फॉर्मेशन होगा उनमें और डेफिनेटली कौन सा फिर सेल डिविजन करना होगा. क्या माइटोसिस यहाँ पे एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं. माइटोसिस इज ए इक्वेशनल डिविजन. 46 का 46 ही मिलेगा बट इन केस ऑफ मियोसिस 46 का 23 मिलेगा. Why I am giving this example of diploid and haploid? Because इससे आपको याद रहेगा कि मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क क्या था और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट फॉर्मेशन में, इन दिस स्टेप कौन सा सेल डिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मुझे क्या करवाना था? पिताजी और माताजी से मुझे कितने 23 क्रोमोसोम चाहिए थे ना, ताकि मेरे अंदर 46 हो. तो मैं क्या करूँगी? मेरे मम्मी पापा के उसमें कैसे कौन से का टाइप का सेल डिविजन होगा? मियोसिस. और जैसे ही मियोसिस होगा दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड सेल. 46 का क्या हो जाएगा? 23. 23 फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम फादर और वो 23 कंबाइन होके एक डिप्लॉयड सेल देंगे, दैट इज मी. सो यस, इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ. सो दिस इज द, आई कैन से दिस इज द मेन, दिस इज अ स्पेशलिटी अबाउट मियोसिस. तो रिडक्शनल हुआ, 46 का 23 बना, 23 मदर की साइड से बना, दैट इज मैटरनल साइड, एक पैटर्नल साइड, वो 23 कंबाइन होके मुझे दिया गया. मैं हूँ 46, मतलब मैं हूँ डिप्लॉयड सेल. तो पहला काम क्या होगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में? भाई गैमेट फॉर्मेशन करा. और कौन सा सेल डिविजन कराओगे? मियोसिस. नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? अब गैमेट फॉर्म हो गए, अब इनको यूनाइट करवा दोगे. अब यूनाइट भी करवा दे, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ग्रोथ होनी चाहिए. मेरी हाइट वेट में बढ़ोतरी हुई कि नहीं? मैं जब एम्ब्रियो, उसके बाद 9 मंथ के बाद बेबी, उसके बाद 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो मेरी ग्रोथ हो रही है. इसमें कौन सा सेल टाइप का सेल डिविजन हुआ होगा? यस, इट्स माइटोसिस. तो माइटोसिस करेंगे. सो अ डिप्लॉयड जायगोट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस बाय द यूनियन ऑफ हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट्स. डोंट फॉरगेट टू राइट अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, हैप्लॉयड का होता है, डिप्लॉयड सेल का फ्यूजन नहीं कर सकते, हैप्लॉयड का करना पड़ेगा. और ये हैप्लॉयड कहाँ से आए थे? मियोसिस से करवा के हमको हैप्लॉयड गैमेट्स मिल गए, उनको कंबाइन कर लिया. और उसके बाद एक्चुअली मेल और फीमेल गैमेट्स को जो कंबाइन करके जो प्रोडक्ट है या जो रिजल्ट जो मिला है उसको बोलते हैं जायगोट. ठीक है, और एम्ब्रियो अलग चीज है. जायगोट वो जो इनिशियल स्टेज होती है उसको बोलते हैं जायगोट. अब जायगोट क्या था? एक सेल का गोला, आई कैन से. अब ये सेल के गोले में कौन से टाइप का सेल डिविजन होगा? माइटोसिस. एंड उसके बाद क्या फॉर्म होगा? एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो दस जो फॉर्म हुआ है, इट विल डेवलप टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. सो लेट्स समराइज व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो है, इलाबोरेट है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व हैं एंड डाइवर्सिटी है.
एंड एट द एंड दो स्टेजेस हैं, गैमेट फॉर्मेशन है एंड फर्टिलाइजेशन है। अब बढ़ते हैं प्लांट्स की तरफ। ओके सॉरी, बिफोर गोइंग ऑन दैट कि प्लांट में क्या होता है, लेट जस्ट रीड आउट व्हाट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। टू पेरेंट्स एंड यू ऑल ऑल्सो रीड सो दैट आप भी एग्री हो मेरे पॉइंट से कि जो लिखा है वो सही है कि नहीं। सो टू पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। येस या फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फ्रॉम मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ फीमेल पेरेंट अकर्स। येस, ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज अ रिकॉम्बिनेंट जीन्स ऑफ द बोथ द पेरेंट्स। वाई? बिकॉज मियोसिस में 1 to 5 याद आया, लिप्टोनिमा पैचेटिमा, एक स्टेज आया था जेनेटिक का वेरिएशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। उस क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट जीन आई। इसीलिए आप में कुछ सिमिलैरिटी है अपने मम्मी पापा से और कुछ डिससिमिलैरिटी भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ डिक्टो सेम है, कुछ चेंजेस भी हैं, कुछ अलग चीज़ें भी हैं और कुछ सिमिलैरिटी भी हैं, बिकॉज यू आर द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। नाउ Hence, the new individual shows similarity with the parents for some character and has some different character from both the parents. So that's what the same thing which I have just mentioned. Now, what is the next? Okay, diversity in living organism occurs due to genetic variation. Definitely, हमें diversity है। आप सभी अपना 9th का एक chapter जरूर याद कर लो यहाँ पे, heredity and evolution. हमें डाइवर्सिटी ही इसीलिए है बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो पेरेंट अमीबा, डॉटर अमीबा बना रहा था, डिक्टो सेम एक दूसरे से दिखते थे। हम तो नहीं दिखते, हम अलग दिखते हैं, हम एक दूसरे से भी, आपके क्लास में भी, आपके क्लास में भी बहुत सारे आपके दोस्त हैं, सब एक दूसरे से कुछ तो कुछ यूनिक है, सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वाई? बिकॉज क्योंकि हम सब वी आर कमिंग, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर वही एक अमीबा की क्लास होती एक, तो सारे अमीबा तो एक जैसे दिखते, बिकॉज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड देयर बाय मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ये पूरा, ये सेकेंड, ये जो इस स्लाइड में जो अभी सेकेंड पॉइंट देख रहे हो वो उसी के ऊपर है बेसिकली। हम में क्या है, हमें डाइवर्सिटी है, हमें चेंज हो रहे हैं। अमीबा में चेंज नहीं हो रहे थे, जैसा मम्मी, जैसे पेरेंट थे वैसे ही बच्चे उसी डिक्टो सेम दिखने वाले हुए। हमें डाइवर्सिटी है, हमें डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें एक अडाप्टिव नेचर है। सो दैट्स वाई हमें, दैट्स वाई यूजिंग दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मेंटेनेंस हो रही है एग्जिस्टेंस की। एंड येस, ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम बींग एक्सटिंक्ट। अब पूरी तरह से एक्सटिंक्ट, मतलब आई कैन से पूरी तरह गायब हो जाएं, एकदम विलुप्त हो जाएं, एकदम गायब, ये क्यों नहीं होंगे, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि विलुप्त या बोलते हैं ना पूरी तरह गायब क्यों होगी कोई स्पीशीज, अगर वो जो अगल बगल का जो पूरा सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, वो उसकी ग्रोथ को, वो उसके सर्वाइवल को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ होगा, डेफिनेटली कोई नई चीज़ तो है नहीं कि खुद को अडाप्ट कर लिया और अपने आप में चेंज ला दिया, तो ऐसे केस में तो वो ख़त्म हो जाएगी स्पीशीज। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेटली अगर मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ, आई विल चेंज समथिंग इन माई सेल्फ, तो दैट विल ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम मी टू माई कमिंग जर्नी। तो अब इस जो ट्रांसफर होगी, तो जो कमिंग जो जनरेशन है, दैट जनरेशन इज एबल टू सर्वाइव, तो एग्जिस्टेंस भी बनी रहेगी और अपने आप को कंजर्व भी कर पाओगे। तो ये, एंड इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, दिस लास्ट पॉइंट इज वेरी स्पेसिफिक विथ रिस्पेक्ट टू, आई कैन से, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दिस इज अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब जो इस बात के लिए लेक्चर स्टार्ट किया, जिस मोटो से मैं आई थी यहाँ पे, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मैंने क्या बोला था कि जिस ग्रोथ, जिस टाइम पे फ्लावर को, मतलब जिस प्लांट, जब वो रिप्रोडक्शन के पहले वाले जो स्टेजेस को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज,
तो रिप्रोडक्शन फेज में क्या होता है, इन हाइयर प्लांट्स द फ्लावरिंग, द फ्लावरिंग इंडिकेट्स द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज. मतलब जैसे ही एक प्लांट पे फ्लावर आने लगे तो आप समझ जाए अब ये एक इंडिकेशन है कि अब ये प्लांट रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कर सकता है. सो दैट इज द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज एंड बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज. नाउ अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली है, फोटो, दैट इज अ फ्लावर. अब ये फ्लावर की ही क्यों डाली है, क्योंकि फ्लावर जो है इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ प्लांट. अब मैंने स्ट्रक्चरल ये क्यों बोला, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला होगा फ्लावर को, क्योंकि जो फ्लावर है उससे ही रिप्रोडक्शन अब होने वाला है. फ्लावर के पास वो सब कुछ है, वो सारी एसेसरीज है जिससे वो क्या कर पाएगा, रिप्रोडक्शन. अब वो कैसे करेगा, अब मैंने फ्लावर तो बोल दिया कि फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो व्हाट इज सो स्पेशल इन फ्लावर, तो लेट्स अंडरस्टैंड. अब कोई फ्लावर को आप कैसे देखते हो, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ना, कि इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड देखते हो. तो आपको अपना आंसर भी इसी वे में लिखना है, इसी पॉइंट वाइज लिखना है. तो यस, लेट्स कम टू द फ्लावर का पूरा. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. इट कंसिस्ट ऑफ फोर वोल्स, फ्लोरल वोल्स. फर्स्ट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, अरेंज्ड इन द सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. अब कैलिक्स कहाँ पे है, ये. कोरोला क्या है, ये, मतलब पेटल. एंड एंड्रोशियम ये एंथर, एंड ये फिलामेंट को टुगेदर बोलते हैं एंड्रोशियम. फिर क्या है, गायनोशियम, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत सिंपली याद करना है. फ्लावर क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. फ्लावर का स्ट्रक्चर सीक्वेंस कहाँ से अरेंज होगी, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. ओके, अब फ्लावर में क्या है, कैलिक्स है, स्टार्ट करो, कोरोला है, एंड्रोशियम है एंड गायनोशियम है. अब एक एक स्ट्रक्चर को देखते और समझने की कोशिश करते कि ऐसा इसमें क्या खास है. यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. सो नाउ, अब ये जो कैलिक्स है और कोरोला मैंने बताया, वो क्या है बेसिकली, दे आर दी एसेसरी वॉल्स बोल सकते, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए रखे गए हैं. इन केस ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, बंद करो सर, एडिट हो जाएगा ना.